वो आगे जाएंगे, वहाँ पे जाके हमारे साथ जो फीमेल मेंबर हैं, मेल मेंबर हैं, वहाँ पे जाके हम इंशाल्लाह जो ना पानी से भी एंजॉय करेंगे और खूब लुत्फ़ उठाएंगे। जी गर्मी की शिद्दत को हमारे एक मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और वो आते ही जो चाय बनाने वाला डोंगा है उसको लेके तो वो पानी में जाके बैठ गए हैं। जी हाजा अमर साहब जरा इधर देखें जी, आपने तो गर्मी दूर कर लिया, हमारा तो शुरू हो रहा बाहर। हाँ जी भाई जान, थोड़ा बताएं कि अभी शदीद गर्मी का दिन था और हमने खाने का पकाने का बंदोबस्त भी करना था, उसके लिए हमने यहाँ पे डेरा, वहाँ पे हमने खाना पकाया, उसकी वीडियो बन चुकी है और अब हम जो है ना कश्ती पे बैठ गए हैं और ये सामने छोटा सा टापू है, ये दरमियान में बिल्कुल वहाँ पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे जाके बकौल जो हमारे साथ जो बोटमैन है उनका कहना है कि वहाँ पे पानी की मकदार काफ़ी कम है, तो बच्चे जो है ना बिल्कुल बड़े मज़े से इंजॉय करेंगे। आपके सामने देखें इस वक्त आवाम का रश, तो हमने इस स्पॉट को का चुनाव नहीं किया कि वहाँ फैमिली के साथ बच्चों के साथ खाने के लिए थोड़ा सा वो अनफेवरेबल होना था, तो अभी बिल्कुल सेपरेशन के लिए हमने ये कश्ती हायर की है और कश्ती के ऊपर हम जो है ना इस वक्त अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं। जी सर, फाइनली एक मज़े का दिन, अगर इसको कह सकते हैं गर्मी में ठंडा दिन। बिल्कुल, आपका आज जितनी शदीद गर्मी थी और जिस किस्म का आज टेम्परेचर था सियालकोट में, तो इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी सर्द तरीन मुकाम पे खड़े हैं। सामने सूरज है, सूरज के बिल्कुल आप सामने, और सूरज की रोशनी इस वक्त बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, और जिसमें इस वक्त टेम्परेचर इसका 12 से 0 के करीब, क्योंकि ये बर्फ़ पिघल के आ रही है, पिघल के आ रही है, तो इसमें उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी आज का जो व्लॉग है जो कि हैदराबाद दरिया चनाब के किनारे पे फैमिली ट्रिप था हमारा आज का, तो ये ज़रूर पसंद आया होगा, सब इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आया होगा। और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट व्लॉग्स का भी सिलसिला हमें शुरू करना पड़ेगा, इस किस्म के व्लॉग्स में हमारे ऑडियंस को काफ़ी पसंद आते हैं, तो इस किस्म के व्लॉग्स इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट टाइम भी आते रहेंगे और होपफुली आपने इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा।